झारखंड की राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले दिनों रांची में कोयला व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में समाजसेवी भैरव सिंह ने आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर रफ्तार के साथ आक्रोशित समाज ने अपने दर्द अपने दुख को बांटा। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों पर क्राइम की घटनाएं आप देख रहे होंगे। लगातार व्यापारी एवं कोयला व्यापारियों की हत्या कर दी जा रही है। इसी के विरोध में रांची के समाज सेवी भैरव सिंह आप देख सकते हैं आंदोलन भी कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए लोग खड़े हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भैरव भैया, सबसे पहले आप बताइएगा, झारखंड की राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों पर क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है। कभी कोयला व्यापारी की हत्या की जाती है तो कभी जमीन व्यापारी की, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक नेता की हत्या कर दी गई कटहल मोड़ के। वामपंथी विचारधारा के नेता थे लेकिन झारखंड के निवासी थे। कोयला व्यवसायी की हत्या कर दी गई। कल कुछ दिन पहले एक टायर व्यवसायी की हत्या कर दी गई राती रोड चौक में, रातू रोड में एकदम बीच रोड में। उसके पहले गोली चली उसके ऊपर, उसके बाद छुरे से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। अभी एक कृष्णा मल्लिक जी हैं, रिम्स के कर्मचारी हैं, उनको दिन दहाड़े रिम्स से घर जाने के क्रम में जो प्रतिदिन हजारों लोगों का जान बचाने का काम करते हैं, वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला दी गई। बहुत मुश्किल से वो बच पाए। और इसके विरोध में जो पत्रकार समाज है, आपके समाज के लोग हैं, वो अगर कुछ विषय रखते हैं तो किया क्या जाता है कि उनको धमकी दी जाती है जेल से कि तुमको देख लेंगे। और जब प्रभात खबर के संपादक महोदय जाकर के FIR करते हैं तो पुनः उनके ऊपर एक FIR हो जाता है कि आपने इस प्रकार का काम किया है, गलत आपने बयान दिया है। तो जो इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में जिन पत्रकारों को माना जाता है, उनके संपादक उनके शीर्ष में बैठे हुए अधिकारी भी जब सुरक्षित नहीं है, जब उनको धमकियां मिल सकती है, तो ये रांची का जो आम समाज है, यहाँ कब किस पे गोली चल जाए कोई नहीं जानता है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है, केवल और केवल लोगों का शोषण करने का काम किया है, इन गरीब बच्चों से इनकी शिक्षा छीनने का काम किया है, इन महिलाओं से इनकी सुरक्षा को छीनने का काम किया है, इन युवाओं से इनकी नौकरियों को छीनने का काम किया है। इन सब विषय के विरोध में और हम सभी रांचीवासी, रांची के युवा, हमारी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग लोग, 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए खड़े हैं ताकि सरकार को हम उनको चुनौती दे सके कि आने वाले समय में आप तो गिरने वाले हैं ही, और सुशासन आने के लिए हम लोगों को अगर रोड पर उतरना पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तत्पर रहेंगे। झारखंड सरकार के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि लगातार CM के गाइडेंस में मीटिंग का भी आप देख सकते हैं प्रजा भवन में किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तब सुदृढ़ होता है जब हमारा शीर्ष में बैठा हुआ अधिकारी सुदृढ़ हो। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं कहीं नहीं होती है। एक हमारी बहन के किसी ने दुपट्टा खींचा तो योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको गोली चला दी, और एकदम चलना चाहिए उन अपराधियों पे। अभी देखिए, आज ही कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग और हॉस्पिटल डेमोलिश हो रहा है, इसलिए कि वो जो है वहां के बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार की सुव्यवस्था अगर लानी है झारखंड में, तो झारखंड में भी हमें योगी ऐसा नेतृत्व चाहिए। ये मूर्ख लोग बैठे हुए नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे जो झारखंड को बर्बाद करने, शोषण करने और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, तभी तो एक सामान्य नेता, छोटा सा नेता घर में रेड होता है तो 300 करोड़ रुपए कैश मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो गरीब लोग हैं इन्हीं लोग के जेब से लूटा हुआ पैसा है वो। आपसे जानना चाहेंगे भैया, लगातार हम लोग भी बात करते हैं यहाँ के सरकार के विधायकों से, तो उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि भाजपा और उनसे जुड़े लोग इसको हवा बना देता है। क्राइम कौन सा स्टेट में नहीं होता, हर जगह तो क्राइम हो रही है। हाँ, हर जगह 5 घंटा में एक हत्या हो जा रही है हर स्टेट में, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? झारखंड का पहले रेशियो निकाल करके आइए, पहले पढ़ करके आइए, अच्छा से डिटेल निकल के आइए, यहाँ का जो क्राइम रेशियो का जो ग्राफ है उसको आकर के देखिए। हर 4 से 5 घंटे के अंदर तो एक हत्या हो जाती है, हर 3 से 4 घंटे के अंदर एक नाबालिग बच्ची और छोटी बच्ची और किसी न किसी महिला का बलात्कार हो जाता है, हर आधे घंटे में चेन स्नेचिंग होता है, हर 2 घंटे में चोरी डकैती होते रहता है। ऐसे सरकार होता है? आप किस स्टेट में देखे हैं कि एक हफ्ता में 7-8 लोगों पर गोलियां चल गई? आप किस सरकार में देखे हैं कि एक सप्ताह के अंदर 4 व्यवसायियों को बीच रोड में भून दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई? अरे भैया, क्या मूर्ख वाला आप लोग बात कर रहे हैं। समाज को सुदृढ़ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है, जो दृढ़ता से निर्णय ले और इन अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए वहीं पर गोली से मरवा दे।
आपने देखा किस प्रकार से भैरव सिंह का यही कहना है कि झारखंड में भी योगी मॉडल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी लकी के साथ रांची।